In this video, we will talk about protozoan diseases. Okay. Now, the most common protozoan disease is the malaria. Now, who is the causative agent of the malaria? So, malaria ka causative agent hota hai beta Plasmodium. Now, Plasmodium have various species. Either it can be the Plasmodium falciparum, or it can be the Plasmodium malaria, or it can be the Plasmodium vivax. These are the most common malaria occur in the India. Okay, out of that, Plasmodium falciparum is most deadly. It is the most deadliest type of malaria which is caused by the Plasmodium. Okay. Now, first of all, we should know ki at which stage the Plasmodium enter into our body. So, Plasmodium enter into the human body at the stage that is called as sporozoite. So, beta, ye question exam mein aata hai ki name the infective stage. Name the infective stage of Plasmodium. So, the infective stage of the Plasmodium is sporozoite. Okay. Now, we come on to the life cycle of the Plasmodium. So, life cycle of Plasmodium is a digenetic. What does it mean? Digenetic. Digenetic means hota hai, it is having two hosts. Yani two hosts hai, दो होस्ट होते हैं बेटा. तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट हैज टू होस्ट, दो होस्ट हुए. अब वो दो होस्ट कौन कौन से हैं? तो एक होता है बेटा प्राइमरी होस्ट और एक होता है बच्चा सेकेंडरी host. Okay, the host in which sexual reproduction occur, primary host kise kaha jata hai? Host in which sexual reproduction means the Plasmodium reproduce sexually, hai na, us host ko kaha jata hai primary host. तो एक्चुअली एनोफिलिस मॉस्किटो, एनोफिलिस, और वो भी कौन सी बेटा? फीमेल एनोफिलिस. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द प्राइमरी होस्ट. ओके, सेकेंडरी होस्ट किसे कहा जाता है? वेयर द प्लाज्मोडियम डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बेटा सेकेंडरी होस्ट भी कह सकते हैं या फिर उसे इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं. एंड ह्यूमन बीइंग इज सेकेंडरी होस्ट व्हाइल एनोफिलिस मस्किटो इज प्राइमरी होस्ट, व्हाइल द ह्यूमन बीइंग इज सेकेंडरी host. It means Plasmodium do asexual reproduction in the human body as well as do sexual reproduction in the body of the female anopheles. Now we come on to its life cycle. तो अगर हम उसकी life cycle देखते हैं तो simply usually female anopheles के अंदर ये Plasmodium कैसे आएगा? तो when the female anopheles suck the blood from the infected person, yani if a person is suffering from malaria and female anopheles suck the blood of that person who is infected with the malaria, the gametocytes taken in by the female anopheles, yani gametocytes uske blood ke sath mein, jab wo blood suck kar rahi hai uske sath gametocytes bhi aa jate hain,
और वो अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो खैर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सेकेंडरी होस्ट से, ये बिकॉज प्लाज्मोडियम जो है मोर इफेक्ट कॉज करता है, यानी डैमेज कॉज करता है टू द सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट पर वो कोई डैमेज कॉज नहीं करता। तो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द सेकेंडरी होस्ट। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैरियर मॉस्किटो, कैरियर मॉस्किटो का मतलब हुआ द मॉस्किटो विच इज कैरिंग स्पोरोजॉइट। वो मॉस्किटो जो क्या कैरी कर रही है बेटा, स्पोरोजॉइट कैरी कर रही है, बाइट अ ह्यूमन। ठीक है, जब किसी ह्यूमन बींग को बाइट करेगी तो इट इंजेक्ट स्पोरोजॉइट इन इट, वो उसके अंदर स्पोरोजॉइट इंजेक्ट कर देगी। आई जस्ट राइट इट इन अ फ्लो चार्ट मैनर, इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। देन द स्पोरोजॉइट रीचेज इन द लिवर। अब वो ब्लड के जब उसने अपना सलाइवा रिलीज किया, अलॉन्ग विद द सलाइवा इट रिलीजेज द स्पोरोजॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, लिवर में पहुँच जाएंगे थ्रू ब्लड। ओके, इन द लिवर इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो लिवर सेल्स के अंदर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पोरोजॉइट, एंड एज अ रिजल्ट द लिवर सेल गेट बर्स्ट, एंड आफ्टर बर्स्टिंग द लिवर सेल दे आर रिलीज इन टू द ब्लड। नाउ वॉट हैपन्स वंस दे रिलीज इन टू द ब्लड, अगेन यू कैन से सम ऑफ देम अगेन एंटर इन टू द लिवर सेल्स, अगेन एंटर इन टू द लिवर सेल्स एंड डू द सेम साइकिल। वाइल दोज हु आर रिलीज इन द ब्लड सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली इन द आरबीसीज, आरबीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो देन आफ्टर डूइंग रिप्रोडक्शन दे बर्स्ट द आरबीसीज, और आरबीसीज जब बर्स्ट होंगी तो दैट रिलीज हीमोजॉइन इज रिलीज्ड। हीमोजॉइन जो है बेटा इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एक्चुअली द फीवर विच कम्स ड्यू टू द हीमोजॉइन टॉक्सिन। इसी टॉक्सिन की वजह से ही जो रिकरेंट फीवर आता है आफ्टर 24 आवर्स और 48 आवर्स, वो इसी हीमोजॉइन के रिलीज की वजह से आता है कि वेन एवर द आरबीसी इज रप्चर हीमोजॉइन इज रिलीज। तो इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आरबीसी में साइकिल चलता है दैट माइट बी ऑफ द 48 आवर्स का और 24 आवर्स और 72 आवर्स, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज कि विच स्पीशीज इज देयर। ओके, नाउ दिस कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर, क्योंकि वंस इट इज रिलीज अगेन इट गोज बैक टू द आरबीसीज एंड अगेन आफ्टर 24 या 48 आवर्स बाद इट गेट रप्चर, अगेन इट कॉजेज द फीवर एंड नाउ द पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू आरबीसीज, वही आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। नाउ दिस साइकिल इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन, बट इन बिटवीन देम सम ऑफ द प्लाज्मोडियम मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस द गैमेटोसाइट। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, गैमेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ दीज गैमेटोसाइट रिमेन इन द ब्लड, ये गैमेटोसाइट किस में रहेंगे, ब्लड में रहेंगे। ओके, तो नाउ वी हैव टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन द फीमेल एनोफिलीज। तो सिंपली जो पैरासाइट्स है यानी कि गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस हुई, गैमेटोसाइट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन ब्लड। ओके, तो क्या क्या बनेंगे बेटा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेटोसाइट है तो क्या बनाएंगे बेटा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। नाउ दिस मेल एंड द फीमेल गैमेट जो हुए बेटा, अल्टीमेटली दैट विल टेकन बाय द वेन एवर द मॉस्किटो मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगी तो दीज गैमेट्स एंटर इन द गट
उसके कहाँ पे एंटर हो जाएंगे बेटा, गट में एंटर हो जाएंगे, गट के अंदर ही है ना, एंटर इन द गट। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन गट, गट में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फ्रॉम देयर, फ्रॉम द गट इट रीचेस टू द सलाइवरी ग्लैंड। फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगॉट बना, जायगॉट में डेवलपमेंट हुआ एंड देन इट रीचेस टू द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर दे डेवलप इनटू द इन्फेक्टिव स्टेज कॉल्ड स्पोरोजॉइट एंड अगेन व्हेन द मॉस्किटो सक्स द ब्लड व्हाइल सकिंग द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन, व्हेन मॉस्किटो नाउ सक द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन व्हाइल सकिंग द ब्लड इट रिलीजेस सलाइवा एंड व्हाइल रिलीजिंग द सलाइवा दीज स्पोरोजॉइट ऑल्सो एंटर इन द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन। तो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल आकर। नाउ वी हैव टू हैव अ लुक ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मस्किटो। इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 148 फिगर नंबर 8.1। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव शोन, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द मस्किटो, सॉरी प्लाज्मोडियम, विच इन विच दे आर शोइंग द टू फेजेस। वन फेज दे आर शोइंग इन द ह्यूमन बींग एंड द अनादर फेज दे आर शोइंग इन द मस्किटो। दिस फेज विच इज गोइंग इन द ह्यूमन होस्ट इट इज द एसेक्सुअल फेज। कौन सा फेज चल रहा है बेटा? एसेक्सुअल फेज। वेल द फेज विच इज गोइंग इन साइड द मॉस्किटो इट इज द सेक्सुअल फेज एंड दैट्स वाई मॉस्किटो इज कंसिडर एज प्राइमरी होस्ट वाइल ह्यूमन बींग इज कंसिडर एज सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट। ओके नाउ व्हाट हैपन हियर, इट इज रिटन वेयर द व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनादर ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन को जब मॉस्किटो बाइट करती है तो स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट, स्पोरोजॉइट इज इंजेक्टेड। नाउ वंस इट स्पोरोजॉइट इज इंजेक्टेड थ्रू द ब्लड इट रीचेस टू द लीवर। तो नाउ द स्पोरोजॉइट दैट इज अ पैरासाइट रीचेस द लीवर थ्रू द ब्लड। नाउ इनसाइड द ब्लड इनसाइड द सॉरी लीवर सेल्स, लीवर सेल्स में व्हाट दे आर डूइंग, लीवर सेल्स में दे आर शोइंग दीज आर द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम रीचेस इनटू द लीवर सेल्स, लीवर सेल्स दे आर मल्टीप्लाइंग ओवर देयर बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। नाउ द लीवर सेल गेट रप्चर, अब लीवर सेल जब रप्चर होती हैं तो सम ऑफ द प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट अगेन गो बैक टू द लीवर सेल, सम ऑफ देम डू द सेम साइकिल, दे आर गोइंग साइक्लिकली, वेल सम ऑफ देम प्लाज्मोडियम विच आर रिलीज्ड एंटर्स इन टू द ब्लड सेल्स RBCs, some of them enter into the RBCs, now they multiply in the RBCs, they also reproduce asexually, now they burst the RBCs, when the RBCs are burst, more and more plasmodiums are released along with the hemozoin, hemozoin के साथ में और RBCs release होते, sorry और sporozoite release होते, अब hemozoin can cause the fever and again these some of those parasite again enters into the RBCs, yani ki there will be two cyclic process going on, one is inside the liver cell a cycle is going on and another is in the RBCs it is going on. Now some of the these infective stage means asexually producing plasmodium they modify, hai na, they modify into the sexual stage and जब वो सेक्सुअल स्टेज में मॉडिफाई हो जाते हैं तो अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस मेल एंड द फीमेल, यानी दीज नाउ कम ऑन टू द बिकम अ मेल एज वेल एज फीमेल एज वेल एज मेल, नाउ फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट एंड मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमेट। नाउ मेल एंड फीमेल गैमेट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन एवर द मॉस्किटो सक द ब्लड
of the infected person. It takes the blood, and along with the blood they take the male and the female gamete of the plasmodium also. Now, when the plasmodium male and female gamete enter into the mosquito, it enters into its gut. Elementary canal में जाएगा blood के साथ. अब वहाँ elementary canal में fertilization takes place. वहीं पे ही development हो रहा है. Once they get developed, now the mature infected stage escape the gut. यहाँ से gut से escape हो जाएगा बेटा pour करके, and they reaches to the salivary gland. So this is the salivary gland of the mosquito, in which the salivary gland में से saliva release होता है, and along with the saliva the sporozoid stage, that is the infective stage, is released. अब ये infective stage कब release होएगी? ये जब release होएगी जब mosquito किसी healthy person का blood suck करती है, तो उस time में while sucking the blood it releases saliva, और जब वो saliva release करती है, now first thing, why it releases saliva? Why sucking the blood? Why it releases saliva? It releases saliva so that the blood does not coagulate. Okay. And ultimately, it along with the saliva, it releases the sporozoid. So usually जो question आते हैं बेटा, वो question दो तीन तरह के आते हैं. Sometimes the complete life cycle आता है. कभी कभी केवल one mark में question आता है कि name the infective stage of the plasmodium. Then the answer will be sporozoid. Answer क्या रहेगा बेटा? Sporozoid रहेगा. Then they can ask the question कि the asexual phase occur in mosquito or human being. तो the answer will be human being. In human being the asexual reproduction occur, while in the mosquito sexual reproduction occur. Now again one more question can come कि in which, when do the hemozoan release, yeah, and at which stage the person have fever. So when the cycle is going on, means the asexual phase is going inside the RBCs, only at that time the person will suffer from fever. When the cyclic process, asexual reproduction is going in the liver cell, at that time there will be no fever. This is, they are just completing the incubation period. Okay. Once they enter into the RBCs, in the RBCs only they release the hemozoan. Hemozoan means a toxic substance released from the RBCs which causes the fever with the chill. Okay. And simultaneously, as the liver cells are damaging, so the loss of appetite is there and the tiredness is there, and ultimately it is fatal also. So this is about the life cycle of the plasmodium. Okay. Now we come on to the next डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज अगर हम लोग लेते हैं तो दैट डिजीज इज नोन एज द अमीबॉइक डायसेंट्री. नाउ इन द अमीबॉइक डायसेंट्री व्हाट वी हैव टू, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट. तो कॉजिटिव एजेंट कौन है बेटा अमीबॉइक डायसेंट्री का? तो द कॉजिटिव एजेंट इज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ द अमीबॉइक डायसेंट्री, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमीबॉयसिस. What it is called as amoebiasis, B-I-A-S-I-S, amoebiasis. Now, what are the symptoms? Symptoms of amoeboid dysentery क्या क्या होता है बेटा? Simply, सबसे first symptom होता है, that is constipation. Okay, what is constipation? Next is the abdominal pain. There is a abdominal pain during the typhoid also, okay. But here the abdominal pain along with the cramps.
जिनको हम अपनी लैंग्वेज में वर्ड कहते हैं पेट में दर्द होना मरोड़े आके, तो वो क्रैम्प्स होता है, तो एब्डोमिनल पेन विद क्रैम्प्स एज वेल एज स्टूल। स्टूल मीन्स फीकल मैटर। फीकल मैटर जो रिलीज करते हैं दैट इज स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड ऑल्सो। म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स रहते हैं बेटा किसमें, स्टूल के अंदर, ठीक है। नाउ फर्स्ट नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, तो सिंपली इट इज ट्रांसमिटेड, इसके लिए बेटा मैकेनिकल कैरियर है, मैकेनिकल कैरियर। मैकेनिकल कैरियर उसे कहा जाता है बेटा विच डज नॉट कैरी इन साइड इट्स बॉडी द कैरियर विच ओनली पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप जो करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है मैकेनिकल कैरियर। तो यहाँ पे मैकेनिकल कैरियर इज द हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई व्हेन इट सिट ऑन द फीकल मैटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन इट पिक्स द एंट अमीबा हिस्टोलिटिकम एंड देन व्हेन दिस फ्लाई हाउस फ्लाई सिट ऑन द फूड आइटम तो देन इट पासिस दैट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ऑन दैट फूड। वंस वी इनटेक दैट फूड द पर्सन विल गेट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड मे रिजल्ट्स इनटू अमीबोसिस। तो यूजुअली जब हम रोड साइड का खाना जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन इज नॉट मेंटेन, जहाँ मक्खियाँ बिल्कुल भिनभिनाती रहती हैं बेटा, जिसमें आप लोग बहुत शौक से उसको खाते हो, उधर चांसेस ऑफ दीज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज मोर। तो एक्चुअली हाउस फ्लाई जो है वो मैकेनिकल कैरियर का काम कर रही है एंड इट इज responsible for the transmission of, so what it do, housefly transmit the agent, causative agent or hum kahe ant amoeba from the fecal matter of infected person to the food material which is kept in open and contaminate मतलब कि उसको इन में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए ऐड कर देते हैं मतलब वहाँ पे रिलीज कर देती है, तो उसको लिए वर्ड यूज होता है कॉन्टामिनेट। इन्फेक्टिव नहीं बोलेंगे बट कॉन्टामिनेटेड मीन्स द हार्मफुल सब्सटेंस इज एडेड। तो कॉन्टामिनेट विथ फूड मटीरियल गेट कॉन्टामिनेटेड, समटाइम द वाटर ऑल्सो गेट कॉन्टामिनेटेड, ओके, एंड दैट द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। दिस इज हाउ द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, ओके। तो नाउ इन दिस वीडियो वी डिड द टू डिजीजेस विच अकर ड्यू टू द प्रोटोजोआ, वन इज द मलेरिया एंड सेकेंड इज द अमीबोसिस। मलेरिया इज द डेडली डिजीज विच इज नाउ अडेज इट इज क्योरेबल, दिस इट कैन बी क्योर्ड बाय द क्यूनिन। क्यूनिन इज वी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंकोना ट्री। किससे ऑब्टेन होती है बेटा, सिंकोना ट्री से होती है, अलॉन्ग विथ नाउ अट इज वेरियस अदर ड्रग्स आर ऑल्सो देयर। एंड अमीबॉइक डिसेंट्री इज द अनदर वन विच इज ड्यू टू द इनटेक ऑफ द कॉन्टामिनेटेड फूड और द वॉटर एंड दैट इज ड्यू टू द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डिजीजेस कॉज्ड बाय Escalmenthes or you can say the roundworm. Thank you.